देनी पड़ेगी, सैल्यूट करना पड़ेगा इनको कि ये खड्डे को देने चरकन भाई, ये है पेड़ के लिए। अच्छा ठीक है ना, इसी हिसाब से इनमें गैप देकर खोदा गया है ना। हाँ भाई, 2 फुट 3 फुट के समथिंग यहाँ पेड़ लगाने की सोच रखे हैं भाई। वाकई में पेड़ लगने भी चाहिए गाइस। अभी जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ भाई, 500 करोड़ पौधों की अपने सख्त जरूरत है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यार आप जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, एक एक बंदा, ठीक है, एक एक बंदा कम से कम 5-5 पौधे लगाए अपने घर के आसपास या कहीं भी। ठीक है, एक पौधे को नॉर्मल 6 महीने लगते हैं पूरी तरीके से तैयार होने के अंदर। तो अभी क्या ना, आपकी मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, पौधे को लगा दो, नॉर्मली धूप आती है तो आप उसको पानी पिला सकते हो, वरना अभी बारिश का मौसम है तो ईजिली वो है जो उसकी जड़ है ना उसकी पकड़ कर लेगा वो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार पर बंदा 5-5 पौधे प्लीज़ कहीं भी लगाओ, आपके घर के आसपास लगाओ। ज़्यादातर रिक्वेस्ट यही है, आपके घर के आसपास ही लगाओ, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो गर्मी है ना वो इस तरीके से पड़ने वाली है कि शायद हम सहन ना कर पाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाएं जो आपको ठीक लगे। वो ये मेरे को थोड़ा समझने में आ नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे मैंने समझ गया तो मैं समझ गया कि वाकई में ये किस चीज़ के लिए पौधों के लिए ये खड्डे खोदे गए हैं यहाँ पर। खैर, कैसे हो आप सभी? बाकी उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो वापस आपकी मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन येलो बेबी गोस्ट वाली लोकेशन पे आज वापस खड़े हैं। कैमरे में अपने शेरखान भाई है, दोनों इस लोकेशन पे खड़े हैं इन खड्डों की वजह से। और दूर से ऐसा लगा कि यार गाड़ी लाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमने गाड़ी दूर ही पार्क कर दी, वहीं पर खड़ी है तो ईज़िली, ताकि हम लोकेशन को भी सही तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। इसलिए दोनों भाई खड़े हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर। आए हमें आधे से 1.5 घंटा हो चुका होगा। तो टाइम की बात करें तो 11:43 हो रहे हैं। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है और क्या यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है और क्या यहाँ पे बार बार आने का तुक है वो आप सभी को पता ही है। जिनको नहीं पता इस पार्ट को देखने के बाद में इसकी जो पिछले पार्ट है वो देख लेना, क्योंकि जो एक गुत्थी है वो सुलझ नहीं पा रही है इसकी कि आखिरकार जो तांत्रिक हैं वो वाकई में यहाँ पर काला जादू करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसी मिथ को क्लियर करने के लिए मैं बार बार आता हूँ और आप सभी की भी रिक्वेस्ट आती है तभी जाके मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, आज मैं कुछ दिनों बाद में यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी थोड़ा वीडियो के अंदर भी गैप आ रहा है, शूट कर नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि घर के पास तो लोकेशन रहती नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जिसने वीडियो स्टार्ट कर ली, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी वॉच करना, नीचे बटन दिया हुआ आ रहा है सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना बस। ठीक है, चरकन भाई आ जाओ, हर चीज को नोटिस करना है बस, उस बात का ध्यान रखना। ऐसा कुछ लगा तो था यार भाई, अलर्ट हो गया, कैमरे में इतना चल नहीं आ रहा यार, तो लगा जैसे पेड़ के पीछे कोई जाकर छुप गया होगा। आना एक मिनट, ध्यान से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बारिश का वक्त है तो जो जानवर है वो अभी ज्यादा निकल रहे हैं।
और यही इंस्पिरेशन मैं आपको भी दूंगा कि अभी जैसा सब वक्त चल रहा है, मेरे काफ़ी भाई लोग बहने होंगे उसी जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसा टाइम चल रहा है तो आप ध्यान रखें, ऐसे वक्त के अंदर का सांप वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इतनी बार बोलता हूँ भाई, जूते पहन के आया करो आप। नहीं यार कुछ नहीं, आवाज है भाई, कुंडली की आवाज़ आ रही है। तो हंसने की आवाज़ आ रही है और आज आने का तुक ये है कि आज शनिवार है, ठीक है, आज के दिन मुझे लगा शायद यहाँ पे उस तांत्रिक से हमारा सामना हो जाए, आज हम फुल तैयारी के साथ में आए थे और शनिवार आज इसलिए स्पेशली इस लोकेशन को हम एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आ रहा कि हंसने की आवाज़ आ रही है रेगुलर। इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से उन्होंने शायद जो भी यहाँ पे वो क्रिया करते थे ना, यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया भाई। हो सकता भाई, हो सकता है कि यहाँ के आसपास के अंदर ये चीज कहीं भी कर रहे हो। ढूंढना भाई थोड़ा दूसरे के चौका लेके ढूंढेंगे जरूर। कौन है भाई? सामने सामने भाई, ऊपर क्या चीज है? कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पे? पीछे मत जाओ, सुन भाई, गायब होगी भाई? क्या गायब होगी? थोड़ा फोन कर किया करो यार, अरे भाई तो पता चले कि यार क्या थी इसमें। मैं भी चाहता हूँ, मैं काफी बार ऐसी सिचुएशन के अंदर है ना, हम समझ नहीं पाते हैं किसी चीज को, तो हम जूम नहीं कर पाते किसी चीज को, ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि वही बात है यार के मौत सामने खड़ी है तो कोई इंसान वहाँ पे सेल्फी नहीं ले रहा होगा, अपनी जान बचा के भाग रहा होगा, तो वैसा कुछ हमारे साथ होता है तो यार आप समझ सकते हो, ये फील करके देखो कि यहाँ पे आप मौजूद हो, मैं नहीं। ध्यान से भाई, कौन था? इसी जगह चेयर उस तरफ, हाँ नहीं इसी के ऊपर खड़ी थी भाई। ये पे तो थी यार, आओ एक मिनट आओ।
खड्डा है भाई, इसी जगह थी यार भाई। वापस वापस वापस, हर चीज को दिखाना जरूरी है। क्लियरली ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे एक स्पिरिट नहीं है, उसके अलावा और भी है। हर बार हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं हम उनसे बात कर सकूं, बट ओए इधर को होने भाई सारी सुने भाई गर्दन उल्टी है, गर्दन उल्टी है कसम से उसकी गर्दन। उसको भाई इस पे रखो, इस पे रखो, वन एक्स पे रखो भाई। क्या कर रहे हो? एक मिनट, पूरा ब्लैक हो गया है। देखो कौन है यहाँ पे? ये पूछता हूँ भाई, सारी और गोम्बी उसकी ना। कौन भाई? उस तरफ जारी, उस तरफ जारी, उस तरफ जारी, उधर तो कैमरा, उधर तो। कौन है तू? वापिस चलो भाई, आराम से आराम से, इस तरफ आओ, चलते वापिस, चलते आओ, जल्दी आओ, फास्ट आओ जल्दी। आराम से चल रहा भाई, ऐसी जगह थी भाई। एग्जैक्ट कौन था यहाँ पे? हाँ एग्जैक्ट इसी जगह पे थी, आपने देखा होगा, एग्जैक्ट इसी जगह पे उसकी गर्दन भाई। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी गर्दन उल्टी हो। आवाज आ रही है, राम से काट है। हाँ बहुत पुराना डैम है जी। वहीं पे घटी थी वो चीज, अचानक से गायब हो गए। कौन हो तुम? चाहती क्या हो? आज आज हिम्मत जुटा के आया हूँ मैं कि कहीं पे वो चीज दिखेगी ना, कोशिश करूंगा कि उस डायरेक्ट उसके पीछे जाने की। लोकेशन आप देख पा रहे हो, इतनी सिंपल है, दिखती है उतनी सिंपल है नहीं है। रास्ता कहाँ से है भाई? यहीं से होकर चलना पड़ेगा। आओ भाई आओ, निकलो, चलो पकड़ो उसको, पकड़ो।
देखो हम आखिरी बार आपसे बात कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमसे बात करें, हमें डराने की कोशिश मत करो। क्या सीन क्या है भाई इसका? चाहते क्या हो तुम? अरे भाई, अरे भाई, क्या ओ भाई, अरे भाई, ये क्या हुआ? क्या जाते हो तुम? ओ तेरे, भाई इसके ऊपर से भाई कौन है तुम? देखो तुम किसी भी तरीके से हमें सिग्नल दो, ऐसे हम समझ नहीं पा रहे कि तुम चाहते क्या, चाहती क्या हो? आओ जल्दी, देखो आखिरी बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके अलावा अगर और भी यहां पे कोई मौजूद है तो बताओ, हमें हम आप सबकी मदद करने के लिए यहां पे आए हैं। क्या आप चाहते हो कि हम आप सबकी मदद कर सके? जरूर से आने लगी अब तो यार। वहाँ पे उस गड्ढे के पर जहाँ पे वो इंडिया मैंने वहाँ पे वही 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 वन टू थ्री मैं काउंट कर रहा हूँ, दौड़ के उस तरफ निकलना हमने, ठीक है ना? ठीक है भाई, वन वापस वापस है अपनी हो जा रही भाई, रुको किधर, वे भी रुको, ओ भाई स्पीड से आ रही, वे भी रुको, भाई स्पीड से आ रही, वे भी रुको, रास्ता भाई, भाई जल्दी उठ, वो आ रही है स्पीड से,